नमस्कार दोस्तों, आपका एस एन वाणी में आदि का अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक्टिव स्पेसिव वॉइस के जो आगे का जो भाग है। कल हमने बात की थी उनके नियम के बारे में, आज पढ़ेंगे नियम से आगे। देखो, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनेगा वो भी सिंपल सेंटेंस बनेगा। कहने का मतलब ये है जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ गया, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस में बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। यानी इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो किस में होगा? सिंपल में होगा। कैसे? कल मैंने जो नियम बताए थे वो नियम आपको याद है कि मैंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां मैं जो फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट अपना, तो इसको यहाँ क्या बना लेता हूं? फुटबॉल, इसको बना लिया मैंने सब्जेक्ट। इसके बाद में मैं बात करता हूं टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की बात हो तो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है इज एम आर होती है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। ठीक है, तो इज आर आर प्लेइंग आई एन जी, प्ले के आई एन जी लगा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेंगे वो क्या लेंगे? इज। अब इस प्ले की क्या है? आई एन जी लगी हुई है, और प्ले के आई एन जी लगी हुई है तो आई एन जी को हटाने के लिए हम बी के क्या जोड़ चुके हैं? आई एन जी जोड़ चुके हैं। इसको क्या बनाते हैं? बीइंग। क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जब आएगी तभी आई एन जी हटेगा। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, और अब अदर वर्ड में कुछ है नहीं तो बाई का प्रयोग करेंगे, और राम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो इसको यहाँ किसके रूप में लिख देंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये इसका हो गया। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं देखो थोड़ा सा बोर्ड को सेट किया है। अब मैं बात करता हूं अपना जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में है। नेगेटिव सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। कैसे? देखो, जैसे ये इसी सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ, राम इज नॉट प्लेइंग, यानी यहां मैं इसको क्या बना देता हूँ? नेगेटिव बना देता हूँ, इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है तो जाहिर सी बात है इसका जो पैसिव वॉइस भी बनेगा वो किसमें बनेगा? नेगेटिव में ही बनेगा। कैसे? जैसे पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस जो हमने बनाया था सिंपल का सिंपल में बनाया, तो ये किसमें बन जाएगा? नेगेटिव में बन जाएगा। कैसे? पैसिव का देखो यहां हम क्या लिखेंगे, वही है फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम। और दिया गया सेंटेंस अगर अपना इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी किसमें बनेगा? इंट्रोगेटिव में। कैसे? वो भी देख लेते हैं। तो ये अपना इंट्रोगेटिव का हो गया। तो इंट्रोगेटिव का इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? तो जिसका बनाएंगे तो इसको भी किसमें बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसमें भी वही लिखेंगे इज फुटबॉल, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम। ये लो क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न वाचक चिन्ह आ जाता है। इसके बाद में तो आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो अगर एक्टिव वॉइस में मौजूद है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही बनेगा। देखो वो भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाता है। तो इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है? तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो इज फुटबॉल
नॉट बीइंग प्लेड बाय राम, ये बन जाएगा अपना। अब मैं बात करता हूं इसमें डब्ल्यू एच की। देखो डब्ल्यू एच सेंटेंस में थोड़ा सा क्या होता है कि जो डब्ल्यू एच सेंटेंस में डब्ल्यू एच जो वर्ड में दिया गया है तो डब्ल्यू एच सेंटेंस का तो पेशी वोश बनेगा, वो ज्यादातर उसी वर्ड को काम में लेके बनाते हैं। दो इसमें है जैसे हु है उसको बाई हुम से, और अगर हुम आ जाता है तो उसको हु से कन्वर्ट करते हैं पेशी वोश। चलो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो डब्ल्यू एच सेंटेंस, डब्ल्यू एच सेंटेंस में, डब्ल्यू एच सेंटेंस में जैसे कुछ है, मैं वाक्य में बताता हूं। देखो व्हाई डिड ही गिव मी ए बुक, वाक्य है एक्टिव वॉइस का कि व्हाई डिड ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक क्यों दी। तो इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू एच सेंटेंस है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखूंगा व्हाई, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का काम लेते हैं, तो डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वाज या वर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं क्या लूंगा, चाहे मैं मी को लो यहाँ सब्जेक्ट रूप में, चाहे ए बुक को लो, तो दोनों के लिए क्या आता है आवाज आता है। अगर मी को लिया तो आई बना दूंगा इसको, ठीक है, वाई वॉज आई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म गिवन, और यहाँ आई ले लिया तो ए बुक बच लिया, ए बुक यहाँ लिख दिया, उसके बाद में बाय और ही है, उसका दो ऑब्जेक्ट रूप होता है, वो क्या होता है हिम होता है, ये डब्ल्यू एच सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, इसको डब्ल्यू एच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इन्हीं को थोड़ा गौर से देखना है, ध्यान लगाना है इन्हीं में कि इनको कैसे चेंज करें। हाँ दो दो अलग है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बस, और बाकी सेम है। हाँ यहाँ आप आई मी को सब्जेक्ट रूप में लाए तो आई हो गया, लेकिन आप यहाँ ए बुक को भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होगा आपका सेंटेंस। जैसे ए बुक से मैं बना देता हूँ, देखो पर आई वाज ए बुक गिवन मी बाय हिम, तो ये क्या हो गया अपना डब्ल्यू एच। इस प्रकार भी बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है मैं ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में लाना है, तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखो आगे मैं कुछ एक बात और कर लेता हूं, देखो मैं बात कर रहा हूं हु की। कई बार आपको क्या होता है, हु से जो वाक्य की शुरुआत होती है हु से दिया हुआ होता है, जैसे हु दे दिया, उसके बाद में मान लो आपको क्या दे दी हेल्पिंग वर्ब दे दी, उसके बाद में आपको क्या दे दी वर्ब दे दी, उसके बाद में आपको क्या दे दिया ऑब्जेक्ट दे दिया, इस प्रकार की कंडीशन आपने देखी होगी। उसके बाद में मान लो आपको क्या दे दिया कोई अदर वर्ड दे दिया या यही भी छोड़ दिया, तो इस प्रकार का जो दिया हुआ होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाई हूम लिखेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बाई हूम लिखेंगे, बाई हूम लिखने के बाद में वो टेंस के अनुसार लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ कहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद में जो अपनी वर्ब की है वो कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अगर अदर वर्ड है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं है तो वहीं पे समाप्त कर देंगे, ये स्ट्रक्चर होती है। जैसे अभी मैं आपको एक सेंटेंस में लिख के बता रहा हूं, हु इज
प्लेइंग फुटबॉल, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो सेम है, क्या लिखेंगे सबसे पहले बाई हूम, बाई हूम लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखूंगा फुटबॉल, उसके बाद में बीइंग, फिर प्लेड, क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो जाता है सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप कहोगे किस तरह आपने ऊपर कहा था कि सेम बाय सेम लिखते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो अलग लिखे जाते हैं जैसे हु और हुम। तो हु को क्या लिखते हैं बाई हुम लिखते हैं, अगर यहाँ हुम आ गया तो उसको क्या लिखते हैं हु लिखते हैं। ओके जैसे आगे चर्चा करते हैं उसकी भी, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो इसको आप दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए अलग विधि से आप समझाने के लिए कहो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अधिक वीडियो पाने के लिए। तो देखो आगे, अब मैं बात करता हूँ होम से शुरू होने वाले वाक्य की। Whom did he give money? आगे क्वेश्चन मार्क है। यानी उसने धन किसे दिया, इसको हम कैसी वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले वही है जैसी बात है, मैंने बताया था हुम आया तो किसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कैसी वॉइस में हु लिखेंगे। उसके बाद में जो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के अनुसार, अब डिड आया है तो जैसी बात है वाज या वर्ब में से एक आएगा तो हम क्या लिखेंगे वाज। उसके बाद में अपना जैसी बात है जो दिया गया कि धन किसे दिया, उसने धन किसे दिया, तो मनी शब्द वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या आया है हु आया है, ठीक है, क्योंकि हु से जो वाक्य की शुरुआत होती है उसको हम क्या करते हैं उसमें सब्जेक्ट गायब रखते हैं। तो अब जाहिर क्या करेंगे जो गिवन शब्द है वो लिखेंगे गिवन, और उसके बाद में क्या दिया गया है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे जो और कुछ मनी फिर लिखेंगे बाई ही का जो ऑब्जेक्ट रूप है, और फिर क्या लगा देंगे प्रश्न आपसे चीन। ओके तो ये इस प्रकार के हम क्या करते हैं इसको सेंटेंस का निर्माण करते हैं पेशी वॉइस में। तो इस प्रकार के कुछ एक सेंटेंस हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, फिर भी अगर आपको कोई चीज में डाउट हो समझ नहीं आता मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।